पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। बहुत देर हो गई, विनु जल्दी उठ। नीता तुमको 100 दफे कहा है वो घड़ी ठीक करा दो, 6:30 का अलार्म दो तो 8:30 बजे बजता है। इसमें घड़ी का क्या दोष है, तुम ही ने 8:30 का अलार्म लगाया था। विनु बेटे तुम क्या खाओगे नाश्ते में? आलू का पराठा। चलो हटो हटो। अच्छा सुनो, मेरी वो ब्राउन शर्ट और व्हाइट पैंट रेडी कर दो। तुम्हारी ब्राउन शर्ट और व्हाइट पैंट तो मैं धोने के लिए दे चुकी हूँ। कमाल है, जब कोई चीज सही होती है उसी टाइम तुम धोने में बेचती हो यार। दीनू तुमसे कितनी दफा कहा है मत खाया करो पेट, थूक दो इसे अभी। नीता मेरे सूट की पैंट व्हाइट शर्ट रेडी करा दो। क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। मत खाना पेट, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओहो क्या मुसीबत है। हेलो कौन? गीता हाय, कैसी हो? दीपक बाबू सुबह सुबह फोन। अच्छा ओ दीपक बाबू सुनिए, आपको हसन नीचे बुला रहा है। पापा आपको नीचे हसन के बुला रहा है। तो बोलो मैं बात सुन रहा हूँ। ना बाबा ना, सेल का कपड़ा तो मम्मी नल में पानी नहीं है। हाँ। ओ बाबू। अच्छा ये तो बता संगीता कैसी है? पापा आपको हसन के बुला रहा है। यार कहीं चैन नहीं है, उसको रुकने के लिए नहीं बोल सकते। एक मिनट बाबू। क्या कहा? अमेरिकन फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर? बाप रे बाप। हाँ भैया क्या बात है, तू सुबह सुबह शोर मचा रहे हो। आपकी गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम है। क्या? हाँ तू जरूर आना, बहुत मजा आएगा। मुझे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। 8 बजे तक आ रही है। नीता प्लीज थोड़ा ऐसे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। हाँ बोलो क्या बात है। साहब गाड़ी का पिस्टन जाम हो गए। ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? कम 3 दिन। 3 दिन? 1 मिनट। ठीक है जाओ। सुनिए आज आपको बिनू के एडमिशन के लिए जाना है। मैडम उस गलतफहमी में मत रहना, गाड़ी 3 दिन तक हिलने वाली नहीं है। फिर आप कैसे जाएंगे? क्यों प्राइवेट नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस। दीपक जी, वी आर टेकिंग योर सन इन द मिडिल ऑफ द टर्म। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन 4th स्टैंडर्ड के बच्चे के एडमिशन के लिए 25,000 रुपए। मेरे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट की चिट्ठी भी है। चिट्ठी है इसीलिए 25,000, नहीं तो 50,000 देने वाले बाहर लाइन में खड़े हैं। आफ्टर ऑल योर सन इज एंटरिंग इन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रिमेंडस रेप्यूट। एक्सक्यूज मी। मॉर्निंग। हाय मैडम, अंदर का वेदर रिपोर्ट कैसा है? यहाँ ये हाल है तो जाहिर है अंदर भी इतना ही होगा। मर गए, मेरा बैग। हेलो मैं कम इन सर। दीपक बाबू आइए 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 आइए, यहाँ पर बैठिए बैठिए ना। सर मैं वो नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर बैठिए प्लीज। कम कम कम, हैव योर सीट। अब तो इस ऑफिस में आपके लिए दो ही जगह है, एक ये कुर्सी और एक आपकी अपनी कुर्सी। और जहां तक मेरा ख्याल है आपको अपनी कुर्सी पसंद नहीं है। आप नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? सर मैं वो काम नहीं। नहीं दीपक बाबू, आपके लिए क्या काम रुका रहेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नहीं सर, असल में बच्चे को सुबह। हाँ हाँ मुझे मालूम है, आज आपको बच्चे को लेकर स्कूल जाना पड़ा, कल कोई और मुसीबत आ जाएगी, परसों कुछ और। मैं अगर बॉस होकर ऑफिस में वक्त पर आ सकता हूं तो आप। मेरी इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको वक्त लगेगा, लेकिन लेकिन तब तक शायद आप अपनी कुर्सी खो बैठेंगे।
नीता, नीता जी, ये पंखा क्यों नहीं चल रहा? बिजली का बिल ही दिया क्या? आज कहां से देती, बाजार से लौटते लौटते दोपहर हो गई थी। तो ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा? मैं ये कह रही हूँ क्या, आज घर में पानी नहीं आया था, नीचे जाकर बाल्टी में पानी लाना पड़ा था। तो मुझे कह देती, मैं कर देता, बाहर का काम तो संभाल ही रहा हूँ, घर का भी संभाल लूंगा। देखो, घर आते ही झगड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? सिर्फ पानी ही क्या, घर में गैस भी नहीं थी, किरोसिन की लाइन में एक घंटा खड़ा होना पड़ा था, फिर बाजार भी तो जाना था। हाँ हाँ, घर का चूल्हा तो सिर्फ मेरे लिए जलता है, बाकी सब हवा पे रहते हैं। स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए 25,000 रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? है फिक्र तुम्हें? बच्चा तो तुम्हारा भी है, घर के मालिक भी तुम हो, फिक्र सिर्फ मुझे क्यों होने लगी? बिल्कुल मेरे बॉस की तरह चिल्लाती हो, पूरी बात सुनती नहीं, उल्टा सीधा बोलती रहती हो। हाँ हाँ, मेरा तो सब उल्टा सीधा ही लगेगा तुम्हें, इतनी तकलीफ हो तो बता दो, मैं अपने घर चली जाऊँ। धमकियां मत दो मैडम, जाना है तो जाके दिखाओ। क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ? अगर मुझे पता होता मेरा ये हाल होगा तो यहाँ कौन आता रहने? शादी करके लाए थे, दासी बनाकर नहीं लाए। चुप करो अब, बस करो, बहुत हो गया, इनफ इनफ। से बात मत कीजिएगा। तुमसे बात ना करूं तो दीवारों से बात करूं? आज सचमुच मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। स्कूल में, बस में, रास्ते में, ऑफिस में, बस हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है। दीपक बाबू नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए जी। आपके घर का वो 11 महीने का एडवांस परसों आकर आप खुद चाबी ले लीजिएगा, हम ये मकान छोड़कर जा रहे हैं। क्या? सुनिए दीपक बाबू। नीता, सुख की खोज में शांति को खो दिया हमने, और मौके की खोज में जिंदगी। इस इंसानी भीड़ भाड़ में, इस शहरी रेगिस्तान में, इस आकांक्षा के अंधेरे में, क्या तुम चाहोगी कि हमारा बीनू भी अपना भविष्य टटोलता फिरे? तुम हमेशा ये चाहती थी ना, हम गांव चलकर रहें, जहां हमारे पास सब कुछ है, घर, जमीन, जायदाद, सब कुछ। पिताजी भी तो यही चाहते थे कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर फार्म की देखभाल करूं। मेरे पास प्रोविडेंट फंड, बैंक इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी वगैरह के जो पैसे हैं वो सब जुटाकर चलो फार्म पर चल के रहते हैं, अपने हाथों से सजाएंगे उसे, जिएंगे जिंदगी अपनी खुशी से। अरे ओ नररी, नमस्ते दीपक बाबू। नमस्ते, नमस्ते। जल्दी से दूध उतार लो, मुझे शहर जाना है आज। टोपा, जल्दी से गाड़ी खाली कर दीपक बाबू की। आओ चाय पीते हैं। चलिए। दीपक बाबू आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या बताऊं नररी, अकेला हूं ना, नया भी हूं इस इलाके में। क्या है कि जल्दी नहीं आऊंगा तो दूध का मीटर डुबाकर तुम ही लोग बोलोगे बर्फ नहीं पिघली, पानी मिलाया है। ये क्या कह रहे हैं आप दीपक बाबू, आप जैसे इंसान के बारे में ऐसा सोच सकते हैं क्या? ए भाई, दो कड़क चाय देना जरा जल्दी। नररी जी, कोई हाथ बटाने के लिए आदमी दो ना भाई। अरे हाँ, आपने तो कहा था, मैंने पांचू से बात की थी, अभी अभी यही था, कहां मर गया। ले लीजिए। ए पांचू, पांचू, पांचू। अरे आया भैया। इधर इधर। क्या बात है? अरे तुझे दीपक बाबू के बारे में बताया था ना मैंने। दीपक बाबू? ओ दीपक बाबू, नमस्ते। देखो भाई जी, मैं नया हूं इस काम में भी और इस इलाके में भी।
ठीक से काम संभाल सकोगे ना? अरे बिल्कुल संभाल लूंगा साहब। गाय भैंस भेड़ बकरी कौन सा घास खाने से ज्यादा दूध देती है, और कौन सा चारा खाने से दूध गाढ़ा होता है, और कौन सा लकड़ी की धुएं से मच्छर दूर भागता है। और भाभी जी के बाजार एकदम टिच करके फिट कर दूंगा। डींगे मत मार पाचू। क्यों? जब काम करेगा तेरी काबिलियत का पता चल जाएगा। अब ये बता दे दीपक बाबू को, जब बाजार से सौदा लाएगा तो कितनी हीरा फेरी करेगा? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हो नररी दादा, तुमने मुझे क्या जगता भैया समझा है? अरे जा, हट जा यहाँ से। क्या दुकान अभी खुली नहीं हो रही, शुरू भी हो गए, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। ए शिफाली, संभाल अपने मामा को, सुबह सुबह चलाता है, बेशर्म कहीं। मामा चलो चलो, खबरदार जो फिर कभी आया तो। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। कौन क्या करेगा, मैं किसी और से शादी कर लूंगा, मगर याद रखना तुझे भी देख लूंगा अगर कोई और नहीं मिला तो। बस करो मामा, बहुत हो गया। अरे जा, औरत है ना, इसीलिए छोड़ दिया, वरना दिन में तारे दिखा देता, सब कुछ देख लूंगा। मामा जितने सब आ जाओ वन बाई वन। अरे ओ जगताप चाचा, ये दीपक बाबू है, नए नए आए हैं इस इलाके में, इनसे खेलोगे वन बाय वन। अबे चुप, मजाक करने के लिए सुबह सुबह कोई और नहीं मिला तुझे? चलो मामा। मुझे माफ कर दो जगताप चाचा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ वन बाय वन नहीं खेल सकता। ठीक है, मांग रहे हो तो चलो दे देता हूँ तुमको माफी। इनके अलावा और कोई है तो आ जाओ वन बाय वन। बाप रे, ये तो लगता है सुबह उठकर कुल्ली भी शराब से ही करता। बिल्कुल ठीक कह रहे दीपक बाबू, ऐसा ही है। नहीं, काली माँ का भगत है, होश की बलि चढ़ा दी है, इसलिए सदा मदोश रहता है, टीच करके फिट। टीच करके फिट? तुम दीपक बाबू के घर जाके टीच करके फिट नहीं करना। ये क्या कर रहे हो? लगता है इस इलाके में नए आए हो। तो इसका क्या मतलब है? अरे देख कर भी मतलब समझ में नहीं आया, तुम्हारी जीप को हटाकर हमने हमारी जीप को लगा दिया। मगर मेरी जीप तो अभी खाली नहीं हुई। इस जगह पर हमारी जीप से पहले और कोई जीप आकर रुक नहीं सकती, खाली नहीं हो सकती। क्यों? सवाल सुनने और जवाब देने का समय नहीं है। साला समय नहीं है। ज्यादा उलझना मत बेटे, ये अच्छे लोग नहीं। हुजूर, हुजूर, बहुत मारा रे आप। हुजूर, हुजूर, हुजूर। हुजूर।
बाबू का पोता लौट आया है और फार्म पर पूरा कब्जा ले लिया। मीठे पानी के मछली हो या गहरे पानी, फंसने से पहले दो चार नखरे तो दिखाएगी। निकाय, तेरा ये हाल किसने किया? और किसने, उसी ने। बदतमीजी की थी क्या? ओह नहीं तो, उसकी जीप हटाकर हमने हमारी जीप लगा दी थी। कितना मारा सरकार, बहुत पीटा। रबाब रबाब। इस बार अगर सामना हुआ ना, माफी मांग ले। माफी? मैं? गहरे पानी की मछली है भाई, गहरे पानी की मछली। और गहरे पानी की मछली को प्यार से फांसा जाता है। अगर पकड़ने का अंदाज ना मालूम हो तो ढोर, कांटा, केचुआ तीनों लेकर भाग जाती है। मगर हुजूर, माफी। और मैं उस दिन हल्की सी एक झलक देखी थी, दोनों जीप में जा रहे थे, बहुत गहराई उसके सुंदरता में। अच्छा भाभी, हम चलते हैं, शाम को फिर आएंगे। हाँ हाँ, जरूर आना। पकड़ो, 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 भाभी, हम लोग बीनू को अपने साथ लेके जा रहे हैं, शाम को जया की छोड़ देगी। ठीक है, ले जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत खिलाना, इसकी तबीयत खराब हो जाती। जी भाभी, मैं भी जाऊंगा ना इनके साथ, मैं भी बेर खाऊंगा। धत धत क्यों? बीनू बेर खा सकता है तो बीनू को बाप बेर नहीं खा सकता क्या? बोले ना भाभी। हाँ हाँ, ले जाओ, इनको भी ले जाओ, तुम भी ना भाभी। चल, अच्छा भाभी, भूखे कहीं के बेर खाएंगे। अरे तुम क्या जानो कितना भूखा हूँ मैं बेरों का। हाँ हाँ, चलो अंदर चलो, मैं खिलाती हूँ तुमको बेर। सच? बहुत दिन से बेर नहीं खाए। अरे निताई, ये लड़कियां कौन है रे? एक जगताप की भांजी और दूसरी की भांजी। अब हाजी। ओए, बहुत बड़ी हो गई रे। हाँ। ये लड़कियां भी बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है। अच्छा है, अच्छा है। वो शराबी से कह देना मुझसे मिलने के लिए। किस लिए सरकार? अरे उसकी भांजी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे सरकार नमस्ते। क्यों है? तेरे साहब घर पे है ना? क्या कर रहे हैं? बेर खा रहे हैं। क्या? अब मतलब आ रहे हैं। जल्दी बोला। हेलो। नमस्कार। मेहमान का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए बिन बुलाए मेहमान की तरह चला आया। सुना है बाजार में इसने आपके साथ बदतमीजी की, और बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बदतमीजी की सजा इसके चेहरे पे लिखी हुई है साफ। फिर भी मैं चाहता हूं ये आपसे माफी मांगे। ठीक है ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम बिहारी, अजीत कुमार बिहारी। अच्छा तो आप हैं अजीत कुमार? मैं दीपक। यहाँ आते ही आपका नाम सुना था, लेकिन घर बार काम धाम जमाने से समय नहीं मिला आपसे मिलने का। अरे नीता, वहां क्यों खड़ी हो? आओ आओ आओ, यहाँ आओ। ये है मेरी पत्नी नीता। नमस्ते। और आप हैं अजीत कुमार। अगर इस बस्ती को रियासत मान लिया जाए तो ये यहाँ के राजा है। आप खामोखा मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दरअसल मैं नहीं चाहता कि हमारी जान पहचान किसी करवाट से शुरू हो। अरे अजीत बाबू, जीवन में बहुत सी मीठी बातें अक्सर करवाट से शुरू होती हैं। तो फिर ठीक है, इस करवाट के बाद मिठास की शुरुआत मेरे यहां से होगी। रविवार को मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है, आप लोगों के आने से मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एहसान मंद रहूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम जरूर आएंगे। जीवन में मैं बिल्कुल अकेला हूं, फिर भी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, नवघर में चलूं?
बड़ा ही ढूंगी बंदा है। ये सब तुम्हें दिखाने के लिए माफी का नाटक किया था इसने। मुझे दिखाने के लिए नहीं, तुम्हें दिखाने के बहाने देखने का काम भी हो गया। तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है। मुझे तो बड़ा ही तिगड़मी आदमी लगता है वो। ये क्या बंदर की तरह उल्टे क्यों लटक रहे हो? ये हट योग है। क्यों, किसी और योग से काम नहीं चलता था क्या? 3 घंटा एक पैर पर खड़े होने से कुछ नहीं हुआ, तब सोचा बंदर की तरह उल्टा लटकने से शायद देवी के दर्शन हो जाएं। जल्दी नीचे उतरो, उल्टे मुंह को देखने में और बात करने में बहुत उलझन हो रही है मुझे। मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारना पड़ेगा, नारी स्पर्श नहीं होगा तो जोग भंग कैसे होगा स्वाहा। ओफो, चलो उतरो उतरो। जो कफल इतनी जल्दी मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये क्या मजाक है, छोड़ मुझे, सब मर्द एक जैसे होते हैं। मेरे अलावा किस मर्द को देखा है तुमने? हा? मैंने नहीं देखा, मर्द ने देखा मुझे, वही अजीत। गलती से उसकी नजरों के सामने पड़ गई थी, ऐसे देख रहा था जैसे नजरों से खा जाएगा मुझे। इसीलिए तो कहता हूँ मांग में सिंदूर भर लेने दो, लाल रंग खतरे की निशानी होता है, फिर कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। मामा की देखभाल कौन करेगा? मेरा भी तो आगे पीछे कोई नहीं है, क्यों ना हम दोनों मिलकर मामा की देखभाल करें। सच? हमारे अजीत बाबू के बारे में आप नहीं जानते। दीपक बाबू आपका ग्लास खाली है, और एक लीजिए ना। नहीं नहीं भाई, ज्यादा पीने से मैं वायलेंट हो जाता हूँ। अजीत साहब, हमारे अजीत बाबू के होते हुए यहाँ वायलेंस? 25 मील की दूरी तक यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। ज्यादा बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं वायलेंट हो जाऊँ ना तो आप शायद मुझे कंट्रोल कर भी लें, लेकिन अगर मेरी वो वायलेंट हो जाए तो आपकी पूरी पुलिस फोर्स को कंट्रोल करना भारी पड़े। दीपक बाबू, मैं और मेहमानों को देखकर आता हूँ, यू प्लीज कंटिन्यू एंड लुक आफ्टर हिम, ओके? हाँ, तो मैं आपको उस दिन की बात बता रहा था ना, रात को जब मैं वहां पहुंचा। सो गया है क्या? आप इन्हें मेरे बेडरूम में क्यों नहीं ले जाती? और आप भी जरा आराम कीजिए मेरे बेड पर। नहीं नहीं, यही भी ठीक है। आप अकेली बैठी बैठी बोर हो रही होंगी, इसलिए कंपनी देना चला आ गया। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा, वो तो शायद अब तक बेहोश हो चुके होंगे। अभी तक तो बेहोश नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे जोर कर यहां भेजा और ये कहा कि अजीत बाबू जरा देख कर आइए मेरी पत्नी क्या कर रही है। सच? सच। अरे सुनो तो, मैं सच कहता हूँ डार्लिंग, मुझे मालूम नहीं था सिर्फ मर्दों की पार्टी है, वरना तुम्हें ले जाता क्या? बात मत करो मुझसे, मैं अकेली औरत इतने मर्दों की भीड़ में बच्चे को संभाल रही थी और तुम वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। मेरा नहीं तो कम से कम बीनू का तो ख्याल किया होता। तो तुम भी आकर हमारे साथ बैठ सकती थी, उसमें क्या है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, बहुत अच्छा लगता है ना कुछ अनजाने शराबियों के बीच में बैठकर हंसी मजाक करना। अरे मैंने बहुत कोशिश की वहां से निकलने की, पर लोगों ने हर बार बिठा लिया। ज्यादा जोर देता अपने उठने पर तो जोरू का गुलाम ना कह दे। जोरू का गुलाम? जोरू का गुलाम? अरे खुद तो वहां से उठ नहीं पाए और उस मुष्टा ने अजीत को भेज दिया मेरे पास, शाबाश। जानेमन तुम्हारा ये जो हुस्न है ना, देवताओं के भी होश उड़ा दे। देखो ज्यादा बढ़ चढ़ कर बात मत करो, नंगी हवस तो देवताओं की भी आंखों में बर्दाश्त नहीं होती है। जानेमन तुम्हारा जो तेज है ना, एकदम 600 वोल्ट की बिजली है, जो छुएगा भस्म हो जाएगा। जरा देखो करंट ऑन है कि नहीं, देखो। हाथ मत लगा मुझे। ए नीता, नीता दरवाजा खोलो। नीता देखो ये अच्छा नहीं है, मेरा करंट ऑन करके तुम वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर सकती, भाई लोड शेडिंग होने का चांस है। नीता प्लीज दरवाजा खोलो, नीता ये अच्छा नहीं है, नीता नीता शॉर्ट सर्किट होने का चांस है। देखो नीता फिर मुझे दोष मत देना,
मैं तीन गिनूंगा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। क्या नहीं खोलोगी? ओके। एक, दो, तीन। सॉरी बेटा। गिर गए। हंसती हो? अब नहीं छोड़ूंगा। कहां जाओ की भागकर? साहब। सच? हाँ। चलो। ओ मौसे, ओ मौसे, आज तुम ऐसे नहीं छोड़ूंगी, आज ही मेरे हाथों से झाड़ू खाएगा ही खाएगा। अरे दीपक तुम, अरे ये क्या मौसी, हाथ में झाड़ू और हम दिल में कितने अरमान लेकर आए थे। चलो चलते हैं भाई, चलो चलो। अरे नहीं नहीं दीपक, मुझे बताओ तो सही क्या बात है, क्यों आए थे तुम सब? मौसी तुम मेरी क्या लगती हो? मौसी इसकी, मौसी इसकी, मौसी और इसकी, इसकी भी मौसी भाई, सबकी मौसी। बात क्या है ये तो बताओ। हम लोगों का दुख सुख रोना धोना तुम सब ख्याल रखती हो, साल के 365 दिन, तो हमारा क्या एक दिन पर भी हक नहीं है? हाँ हाँ, पर है क्या आज? ना तो कोई त्योहार, ना ही कोई पूजा, बताओ ना क्या है? आज के दिन हमारी मौसी धरती पर आई थी सबका ख्याल रखने। आज हमारी मौसी की पूजा है, आज हमारी मौसी का जन्मदिन है। मैं नहीं जानती थी मैं तुम सबकी इतनी अपनी हूं, मेरे ही जन्मदिन पर मुझे ही रुला दिया। चलो चलो तुम सब अंदर चलो चलो। No, no, no.
अच्छी अच्छी प्यारी मौसी। सामने गाड़ी ठीक करानी है, ये सब कब खरीदूंगा मैं? तुम्हारी ये फर्नीचर गाड़ी? अरे तुम्हारी इस गाड़ी को ठीक करते करते ना शाम हो जाएगी, इतने में तो तीन बार बाजार जाकर लौटा जा सकता है। ए मेम साहब, इस गाड़ी के बारे में कुछ मत बोलिए, ये यहाँ की नहीं विलायती है, विलायती। पांचू, पांचू, आये साहब, ए पांचू, पांचू धक्का मार। साहब कुछ बोला? हाँ धक्का मार। किसको? मेरे को। हाँ मेरे को नहीं, गाड़ी को। गाड़ी को? ओ गाड़ी को। हाँ हाँ मार दो। अरे मारो धक्का, मारो मारो जोर से। हाँ हाँ चलो मैं भी लगाती हूँ इस कटारा गाड़ी को धक्का। जरा जोर से नवी साहब। आप भी पापा मेरे लिए कलर पेंसिल्स लाना। हाँ हाँ ले आऊंगा, पहले गाड़ी तो स्टार्ट हो। क्या बात है नवी साहब, आपने धक्का मारा एकदम फिट करके फिट हो गए। ठीक है जाओ, जाकर काम करो। चलो बिनु। Excuse me? Any problem? जी हाँ, चलते चलते अचानक पता नहीं क्यों रुक गई। मैं देखूं? आप ठीक कर सकते हैं? कोशिश तो कर ही सकते हैं। देखे तो सही, आपकी साहबजादी आपसे क्यों नाराज हो गई? आइए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। हाँ
नदी का पानी, झरने का पानी, तालाब का पानी तो मैंने पहले पिया है, गाड़ी का पानी मैं आज पहली बार पी रहा हूँ, वो भी पेट्रोल का सुगंध युक्त पानी। कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें इंसान की क्या गाड़ी की भी भलाई नहीं सोचनी चाहिए। आपने अपना चेहरा देखा है? आइए दिखाता हूं, देखिए। लेकिन एक बात, आप गाड़ी ठीक नहीं कर पाए। लेकिन एक काम कर सकता हूं। क्या? आपको लिफ्ट दे सकता हूं। गाड़ी यही छोड़ जाते हैं, कल सुबह मैकेनिक आके ले जाएगा। कैसा लगा आइडिया? ब्रिलियंट। शायद बारिश आने वाली है, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा धक्का लगाएंगी। कलयुग है जी, घोर कलयुग है, इसमें इंसान की तो क्या गाड़ी की भी मदद नहीं करनी चाहिए। क्या करूं, मेरी गाड़ी बगैर धक्के के स्टार्ट होती नहीं है। अपनी गाड़ी तो ठीक होती नहीं, चले और की गाड़ी ठीक करने। इंसान का दुख मुझसे देखा नहीं जाता ना, इसीलिए कूद पड़ता हूँ। जी हाँ, ऑफ कोर्स। मैडम धक्का मारिए जरा। अच्छा स्टार्ट होगी, बैठ जाइए। हो गए स्टार्ट। वाह मेरी विलायती गाड़ी। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे एक बात तो साफ जाहिर हो गई, आपको गाड़ी ठीक करने के बारे में कुछ नहीं आता। आप करते क्या हैं? दूध बेचता हूँ। क्या? हाँ दूध बेचता हूँ। कमाल है, मैं गाड़ी ठीक करता हूँ तो आप हंसती हैं। मैंने कहा दूध बेचता हूँ तो आप फिर हंसती हैं। कहीं आप मुझे पागल तो नहीं समझती? वैसे आप क्या करती हैं? आपको क्या लगता है? बताइए ना। मैं पहाड़ों पर उड़ती हूँ, नदी पर चलती हूँ, आसमान में तैरती हूँ, रंगों से खेलती हूँ, पुरानी यादों के सहारे जीती हूँ, उनकी माला पिरो कर पहनती हूँ। समझ गया। क्या? कि आप निकल गई हैं इस दुनिया से। मतलब? मतलब आप पागल हो गई हैं। Oh, come on. अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ है? मेरा घर वो बादलों में, पहाड़ी के पीछे। वहाँ तो शायद मेरी गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। तो क्या हुआ, मैं धक्का लगा दूंगी, अब तो आदत हो गई है। ठीक है, लेकिन मुझे जाने से पहले रास्ते में कुछ शॉपिंग करनी है। चले चलिए चलिए। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं मुसीबत में थी, आपने मेरी मदद की, अब शुक्रिया भी अदा करने का मौका नहीं देंगे आप? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं, वो तो मेरा फर्ज था। मुझे वाकई बहुत देर हो रही है, चलता हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, कल को आपको जुखाम वुखाम हो गया तो इल्जाम मेरे सर पे आएगा। चलिए चलिए खाओ, मैं आपको एक टाल देती हूँ, ये लीजिए। थैंक्स। और 5 मिनट के अंदर गरम गरम कॉफी। नहीं नहीं रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। अरे अरे सुनिए।
आप पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। आप शायद नहीं जानते कि मैं तेरी जात की ज्यादा भय किया ना एकदम टिच करके फिट कर दूंगा। हाँ पांचू साहब, ए पांचू चल सामान उतार चलो। हाँ आप सुनाओ आप कैसे हैं? पापा आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? बेटा गाड़ी ठीक करवा रहा था, तुमने कोई शरारत तो नहीं की? नहीं। मम्मी को तंग किया? बिल्कुल नहीं। दूध पिया? आप मेरे कलर पेंसिल्स लाए? बेटा तुम्हारी कलर पेंसिल मैं लाया तो था लेकिन आप मेरी कलर पेंसिल जाना भूल गए? नहीं बिनू वो तुम्हारी पेंसिल। हाँ मैं आपसे बात नहीं करता। बिनू अरे क्या हुआ, क्या हुआ बिनू को? वो क्या है कि बिनू ने शहर से कलर पेंसिल मंगवाए थे, मैं वो पेंसिल लाने भूल गया। आसपास कोई बच्चा तो है नहीं कि जिसके साथ वो खेल सके, बस कोरे कागज पे लाइनें खींच कर ही तो मन बहलाता है वो, और एक तुम हो कि उसकी कलर पेंसिल लाना ही भूल गए। हाँ मुझसे वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। बीनू बेटे मुझसे नाराज हो क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो, वाकई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बीनू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने अपनी गलती मानी, अब तू भी मान जाना, आज आप दोस्ती करते हैं। हाँ? अच्छा बाबा तो जो कहेगा मैं करूंगा। हाँ? मैं जो बोलूंगा आप करेंगे? हाँ करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो पहले मुझे घोड़सवारी सिखाओ। अच्छा बेटा इसी उम्र से ब्लैकमेलिंग? तो कट्टी जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, तुम जीत गए मैं हार गया, कल सुबह हम आपको घुड़सवारी सिखाएंगे। ओके सुनो आपका ये खत आया है। तो तुम ही खोल दो ना। ना बाबा बिल्कुल नहीं, दूसरे का खत मैं नहीं खोलती। अच्छा शादी कितने साल बाद अब दूसरे हो गए हम। अच्छा लाओ मैं खोलता हूँ। डियर दीपक आखिरी बार आपको देखने की तमन्ना रखती हूँ, हर पल आपकी यादें मेरे साथ हैं। क्या करूं पागल हूं ना, चिट्ठी मिलते ही पास चले आना, आपकी नंदिता। किसका खाता है? लोन के लिए अप्लाई किया था ना हमने, शहर से कोऑपरेटिव के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मिलने के लिए बुलाया है। नंदिता जी, नंदिता जी मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। उस चिट्ठी का क्या मतलब है? मतलब तो पूरा हो गया, आप आ गए। आपकी भावनाओं के तूफान से उठी एक चिंगारी मेरे पूरे घर को राख के ढेर में बदल सकती है, आप शायद ये नहीं समझती नंदिता जी। दीपक जी मैं आपको चिट्ठी लिखना चाहती नहीं थी लेकिन लिखती, मैंने आपको बुलाने की भी बहुत कोशिश की लेकिन बुला ही नहीं सकी, मैंने आपसे दूर रहने की भी बहुत कोशिश की लेकिन जितना आपसे दूर रहने की कोशिश करती थी उतना ही और करीब पाती थी आपको। क्या करूं पागल हूं ना, जीवन सिर्फ ये पहाड़ नदियां आपके रंग बिरंगे चित्र नहीं नंदिता जी, जीवन एक हकीकत है, हकीकत
और जब हकीकत सामने आती है ना, सिर्फ दो रंग नजर आते हैं, सफेद और काला, अच्छा या बुरा। मैं जानती हूं, लेकिन आप कुछ नहीं जानती, आप कुछ नहीं जानती। मेरी एक बीवी है, एक छोटा सा बच्चा है, बेहद प्यार करता हूं उनसे मैं, और आपकी एक चिट्ठी मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। बहुत कुछ कह गए आप दीपक जी, लेकिन मैं तो सिर्फ यह चाहती थी कि आपसे एक बार और मिलूं, आखिरी बार। मैं शहर छोड़कर जा रही हूं हमेशा के लिए। क्यों, कुछ राहत मिली? I'm sorry नंदिता, मैंने तुम्हें शायद गलत समझा। मैं सचमुच पागल हूं ना? नीता, दीपक, दीपक, दीपक को क्या हुआ मौसी? I'm sorry, कल रात को आपके पति का एक्सीडेंट हो गया। नहीं मौसी, नहीं, ये नहीं हो सकता मौसी, ये सच नहीं हो सकता मौसी। मेरी दुनिया इस तरह नहीं उजड़ सकती मौसी, नहीं उजड़ सकती। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। नीता, अपने आप को संभालो बेटी। नहीं जी सकती मैं, इस तरह टूटोगी तो मीनू को कौन संभालेगा? नीता यादों के सहारे दिन कट सकते हैं, उम्र नहीं, जीवन नहीं, आंसू पोंछने से रुकते नहीं। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे यह बहना बंद हो जाए? जाने वाला अपने साथ सब कुछ ले गया, अब सिर्फ ये आंसू ही तो बचे हैं। अब ये जिंदगी भर
इसी तरह बहते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, इन आंसुओं को तुमको रोकना होगा, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए। जो हो गया उसे भूल जाओ। जो हो गया उसे भूल जाना, क्या इतना आसान है अजीत बाबू? मैं जानता हूं, मगर जिसको जाना था वो तो चला गया, एक खुदगर्ज की तरह अपनों को अकेला छोड़कर। अब तुम जितना चाहे तड़प लो, रो लो, वो लौट कर नहीं आएगा। थप्पड़ मारा, थप्पड़ का बुरा नहीं लगा मुझे, मगर हां इस थप्पड़ को मैं जरूर याद रखूंगा। औरत, और वो भी एक टूटी हुई कमजोर औरत, या तो तुम ये गांव छोड़कर चली जाओगी या सीधे मेरे बिस्तर पर चली आओगी, और वो भी चलकर नहीं, घुटने रगड़ रगड़ कर आओगी। और जिस दरवाजे से तुम मेरे बिस्तर तक पहुंचोगी ना, वहां फूलों का हार लेकर खड़ा रहेगा तुम्हारा बेटा, तुम्हारे स्वागत के लिए। याद रखो, मेरा नाम बिहारी है, अजीत कुमार बिहारी। पीनू, पापा मेरे लिए कलर पेंसिल्स लाना। हाँ हाँ ले आऊंगा, पहले गाड़ी तो स्टार्ट हो। बीनू, मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, मेरे कलर पेंसिल्स लाने वाले थे, पापा कहाँ गए हैं? पापा, पापा, पापा भगवान के पास गए हैं बेटा। भगवान कहाँ रहते हैं? वो ऊपर आसमान में रहते हैं बेटा। आसमान में? पापा की गाड़ी शायद खराब हो गई है, मैं जाकर धक्का लगाऊंगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगी, और फिर मैं पापा को अपने साथ ले आऊंगा। मैं 500 रुपया महीना दूंगा, आज से तुम हमारे घर पर काम करोगे, और वहां का काम तुम छोड़ दोगे। छोड़ दिया सरकार, छोड़ दिया, घर का खर्चा तो चलता नहीं, नौकर रखेंगे। अब काम क्या करना पड़ेगा सरकार? कुछ नहीं, उस घर में क्या हो रहा है इस बात की खबर दोगे तुम? टिच करके फिट कर दूंगा सरकार। और जी, कोई भी इंसान उस औरत की मदद करने के लिए वहां कदम ना रखे, इस बात का तुम अच्छी तरह से ख्याल रखोगे, समझे? समझ गया सरकार। बिल्कुल समझ गया, मुंदर पे कौवे नहीं बैठेंगे इंसान। बहुत दूर की बात है सरकार। शाबाश शाबाश। अब देखता हूं मेरे अलावा कौन वहां कदम रख सकता है। Thank you.
कि मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं। अगर रात भर के लिए यहां रहने की जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस वक्त हमारे घर में और कोई नहीं है। किसी भी जगह भड़ा रहूंगा, सवेरे होते चला जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं मजबूर हूं, आप और कहीं देख लें। मम्मी नहीं है ना, इसलिए लगता है बीमार है, खांस भी रहा है। बारिश हुई तो भीग जाएगा और बुखार भी हो जाएगा। सो जाओ बिनू, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी उसे अंदर आने दो ना। बिनू तुम चुपचाप सोते हो या नहीं? उसको अगर बुखार हो गया तो उसकी माँ बहुत परेशान होंगी। पहले उसे सोने की जगह दो, फिर मैं सोऊंगा। ये लड़का तो ना। ये लीजिए चाबी, उधर वाले घर को खोलकर सो जाइएगा। सुबह जाने से पहले चाबी लौटा दीजिएगा। जी धन्यवाद। चलो बिनू तुम भी सो जाओ। तुम हाँ? कौन हो तुम? पत्थर, वो पत्थर जो तुम जैसे सांपों के सर कुचलने के लिए एक अनजान दिशा से निकलता है। छोड़ दो मुझे। आज तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन दोबारा इस घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। बिनू मैंने समझा मेरे पापा आ गए। मेहरबानी करके आप इसे यहां मत बजाइएगा। आप तो सुबह चले जाने वाले थे ना जी।
दरअसल मैं काम की तलाश में था। आपके यहाँ कोई काम वाम हो तो? मेरी स्थिति इस वक्त ऐसी नहीं है कि मैं किसी को काम पर रख सकूं। जिन्हें मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दो वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए तो। देखिए, हम आपको ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकते, फिर भी हमसे जो कुछ बन पड़ेगा हम आपको दे देंगे। कल रात को आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हम उसके एहसानमंद हैं। अरे ओ निताय। जी सरकार। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? वो कोई अजनबी है सरकार, लेकिन आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन सरकार है बड़ा मेहनती, उस शमशान जैसे फार्म को एक ही दिन में एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया। राधे, मुझे उसकी तारीफ नहीं सुननी है, सुननी है उसकी मौत की खबर, समझे? पानी में रहकर अगर कोई मगरमच्छ से बैर करके जी सके तो डर और ताकत की सारी कहावत गलत हो जाएगी। आप हुकुम कीजिए सरकार, लाश कितने टुकड़ों में चाहिए? बेवकूफ, मुझे लाश देखने का शौक नहीं, लाश गिराने का शौक है, समझे? समझ गया सरकार, बिल्कुल समझ गया, लाश गिर चुके समझ लीजिए। इतना मारना साले को, इतना मारना के मुंह से आवाज नहीं खून निकले। निकलेगा सरकार, खून निकलेगा। और एक काम कर, अपने साथ 8-10 अच्छे तगड़े मुस्टंडे ले जा साले को पीटने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? हल को ठीक कर रहा हूं बेटे। किस लिए? खेत जोतने के लिए। आप कौन हैं? फिलहाल तो मैं एक किसान हूं बेटे। किसान? किसान क्या होता है? किसान वो होता है जो हल जोतता है, खेतों में काम करता है और फसल उगाता है। आप मोहतरगन बहुत अच्छा बजाते हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। अच्छा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटे? ऊपर आकाश में भगवान के बाद। तुम्हें किसने कहा बेटे? मम्मी ने, मम्मी तो सब जानती है ना। हाँ। आपको मैं क्या कहकर पुकारूं? कुछ भी कह लो बेटे, बाबा, चाचा, भाई, कुछ भी। कीला लगाना पड़ेगा। लग गई, सर टक आ गया। अब हम दोनों के सर पे सिंह निकल आएंगे। जल्दी से एक टक्कर और हो जाए। दो टक्कर क्यों? एक टक्कर सिंह और दो टक्कर दोस्ती। अच्छा, इसका मतलब आज के बाद आप हमारे बंधु हो गए। और आप भी हमारे बंधु हो गए। हाँ, मगर बंधु को तो निशानी देनी पड़ती है, तोहफे देने पड़ते हैं। कहाँ तुम्हारी निशानी? दो। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाद में दूंगा। वो लोमड़ी और कुत्ते की कहानी की तरह तो नहीं? क्या मतलब? आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लोमड़ी और कुत्ते में दोस्ती हो गई। कुत्ते ने अपने बालों से भरी हुई खूबसूरत पूंछ लोमड़ी को दोस्ती की निशानी में दे दी, मगर लोमड़ी ने उसे कुछ भी नहीं दिया और भाग गई। इसलिए आज भी देखो ना, जब कभी भी कुत्ता लोमड़ी को देखता है तो वो उसकी पूंछ छीनने के लिए उसके पीछे भागता है। ऐसे ऐसे। वो 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 वो
तुम्हारा चलाना सिखाएगा मुझको? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बंधु, सुसु करना है। सुसु करना है? हाँ। यही करना है तुझे? चला जा। ओए शाबाश, चल जा। विनू, देर हो रही है, जल्दी कर। विनू, विनू, हे विनू, कौन हो तुम लोग? हमारे बारे में जानकर क्या करोगे? लेकिन इतना जान लो कि अजीत बाबू के साथ दुश्मनी करके इस इलाके में कोई नहीं रह सकता, इसलिए चुपचाप सीधे निकल जाओ। और अगर ना जाऊं तो? अरे अगर ना जाऊं तो? तुम्हारा पहले एक था वो तो फूट गया, और तुम्हारा जाने के बाद कोई आके एकदम टिच करके फिट हो जाएगा। ऐसी ठटला सौरत के लिए करके फिट हो गया। अपने बाप से जाकर कहना, दोबारा आदमी भेजा ना, तो उसको भी टिच करके फिट कर दूंगा मैं। बोल लूंगा। अब जाओ। जाओ। चल। चल। बंदू, 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 तुम घर आज एक बार की दूध पीते हो? क्यों? ऐसा तुमने क्यों पूछा बेटा? अकेले इन चार बदमाशों को दुश्मन दुश्मन करके मार दिया। तुम तो हीमान हो। मेरा बंधु हीमान है, मेरा बंधु हीमान है। देखो बंधु, मारपीट की बात किसी से नहीं कह रहा। मम्मी से भी नहीं? मम्मी को तो बिल्कुल नहीं कहा। मम्मी, हमने किसी से मारपीट नहीं की। किसके साथ की? पाचू और नीताई के साथ। और कौन था? पांच चार आदमी थे। बंधु ने दुश्मन दुश्मन करके ऐसी पिटाई की कि सब भाग गए। सब बता दिया। सब बता दिया। चलो उतर। चलो। सुनिए, क्यों हुई थी आज की मारपीट? गंदी बातें मुझसे सहन नहीं होती। बात ही तो है, सुनकर अनसुनी नहीं कर सकते थे क्या? इस तरह की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने पहले ही कहा था 8-10 आदमी साथ ले जाने के लिए। सरकार, हमें क्या पता जो आप ऐसे आदमी के पास भेजेंगे, किच करके पीट कर दिया। खरोश काम के ना खाज के ढाई मन अनाज के। मुझे क्या मालूम था तुम लोग इस तरह मेरी नाक कटवा कराओगे। सरकार, हुजूर, वो आदमी बहुत दांव पे जानता है, 8-10 पर भारी पड़ता है। तू क्या चाहता है रे? जाकर मैं उसके सामने माफी मांगू?
ना कर लो उसके सामने अपनी हार मान लो। नहीं नहीं तू यही चाहता है क्या? और एक मौका दिया जाए, और एक मौका। अगर मैं तुझे एक और मौका दूं ना तो वो तुझे मारते मारते यहां तक लेकर आ जाएगा और उसके बाद मेरा सर फोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, ये आदमी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब जो कुछ करना है मुझे खुद करना होगा। अरे भाई कौन हो तुम लोग? कहीं नेता और पांचू तो नहीं? हम ही तो है। नदी किनारे गया था ना, पाव फिसल के एकदम टिच करके फिट हो गया। खंबा तो अरे फिसल के गिरे हुए नहीं, गिरे हुए आदमी तो तुम लोग पहले से ही हो, अब क्या गिरोगे? इस बार तो तुम लोग उठा के पछाड़ के लगते हो वन बाई वन। चुप चुप, चिल्लाओ मत बेवड़ा, नहीं तो बोतल मार कर सर फोड़ दूंगा। ए, सर तेरे बाप का जो तू फोड़ देगा, गुस्सा मत दिला वरना देख लो सबको वन बाई वन। अच्छा ये तो बताओ तुम लोग किससे मार खा के आ रहे हो? अरे भाई जिससे भी खाकर आए हैं पूरे ब्याज के साथ खाकर आए हैं। हाँ हाँ, डबल ब्याज के साथ लौटा भी दूंगा एक दिन। इससे आसान काम होता है किसी की बुराई करना। अबे तुम लोगों के दिल साफ नहीं, कम से कम जुबान तो साफ रखो। कीचड़ की तरफदारी करके तुम उसका दामन कभी साफ नहीं रख सकती हो मौसी। ये मौसी का शराब खाना है, कोई बदनामी फैलाने का दफ्तर नहीं। ठीक है मौसी, हम तो जबान बंद कर लेंगे, लेकिन दुनिया इनकी जबान कौन बंद करेगा? और ये बात तो ऐसी है मौसी, एक कान से दूसरे कान और दूसरे कान से सीधा मैदान, मतलब टिच करके एकदम टिच करके फिट। तो तेरा बाप हो गया पाचू, जो अपने आप को इस इलाके का बादशाह समझता है, जिसके डर से उस बेबस बेसहारा विधवा की तरफ हम गांव वालों ने मुड़कर भी नहीं देखा। और आज जब एक अजनबी ने इस वैशी दरिंदे के हौसलों को कुचल दिया है तो तुम लोग उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। आज ये अत्याचार दीपक बाबू की अभागन विधवा पर हुआ है, कल किसी और की मां बहन पर हो सकता है। मैं उन लोगों से पूछता हूं जिनके घर में मां बहने हैं कि वो अजनबी जिसने अजीत जैसे राक्षस की दहशत से पूरे गांव को बचाया है हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम है क्या? आप ठीक कह रहे हैं नरेंद्र भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आदमी बहुत अच्छा इंसान है, हम सब उसके साथ हैं। किसने दिया बंदूक? मेरे बाबा ने। इसे तुम हमेशा अपने पास क्यों रखते हो? इसलिए कि ये मेरे बाबा की निशानी है। मेरे बाबा फौज में थे, जब वो लड़ाई में गए तो ये निशानी मुझे दे गए। बाबा तो वापस नहीं आए मगर ये निशानी हमेशा मेरे साथ रह गई। जब कभी बीते दिनों की याद आती है, जब भी मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूं तो इसे बचाता हूं, इसीलिए मैं हमेशा इसे अपने दिल के पास रखता हूं। मुझे भी मेरे पापा की बहुत याद आती है, मगर उन्होंने तो मुझे ऐसी कोई निशानी दी ही नहीं। बंधु मेरे पापा का गीत तुम इस पर बजाओ ना। तुम्हारे पापा का गीत तो मैंने कभी नहीं सुना बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, तुम गाना गाओ, मैं बाजे पर वो गाना बजाऊंगा। अच्छा चलो चले साथियों मेरे हम सफर। दूर बनाएंगे सपनों का घर, रुक क्यों गए और बजाओ। और ज्यादा नहीं बजाएंगे, मम्मी को सुनाई दिया तो डांटेगी बहुत। अच्छा तो ठीक है, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। ला, 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 ला। ला, ला, ला।
बंधु आज बहुत मजा आया। आहिस्ते बोल आहिस्ते। क्यों आहिस्ते क्यों? पिटाई होने वाली है आज हम दोनों की। क्यों पिटाई क्यों होगी? आज दोबारा तुम्हारी वजह से हम लोग लेट हो गए हैं। अब चुपचाप जाकर बिस्तर में घुस जाना, माँ को पता नहीं चलना चाहिए। चलो ठीक है। और सुनो, अगर उनको पता चल जाए और माँ तुमसे पूछे तो उनसे कहना। कहाँ थे तुम लोग? सुबह की गए हुए अब लौट रहे हो? सारा दिन खाना नहीं पीना नहीं, सारी बस्ती दुश्मनों से भरी हुई है। मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी इस बात की चिंता है तुम्हें? चलो विनु। गुड नाइट। कहाँ थे तुम लोग? सुबह की गए हुए अब लौट रहे हो? चलो विनु। मौतरगन बहुत अच्छा बजाते हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। जल्दी से एक टक्कर और हो जाए। मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मी कहाँ है? किचन में। कहाँ? किचन में। अच्छा अच्छा, चलो जाओ तुम जाके सो जाओ अभी। कल हम दोनों घोड़ सवारी करने जाएंगे। क्या बोल रहा है बेटा, पहल? कल हम दोनों घुड़सवारी करने जाएंगे। ओ घुड़सवारी? नहीं नहीं, मम्मी को पता चल गया तो मारेगी। मम्मी? ए, माँ के बारे में ऐसी बात नहीं करते। चलो जाओ सो जाओ। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। बीनू को देखने आया था, सो जाएगा वो। जी? बहुत बुला रहा था मुझे वो, कंघी से खट खटा के। गुड नाइट। सुनिए, गुस्से में आकर न जाने क्या क्या कह दिया मैंने आपसे, हो सकता है आपको बुरा लगा हो। दरअसल मुझे जो कुछ भी कहना था बीनू से ही कहना था, उसी से कहना बनता भी है, आप बुरा मत मानिएगा। गलती तो मेरी थी, मुझे बीनू को इतना दूर लेके नहीं जाना चाहिए था। हंसते खेलते समय और रास्ते का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। आपका जब दिल करे जहां दिल करे बीनू को ले जा सकते हैं। मैं ये भूल गया था कि हमें वापस भी आना है, साथ चलते हुए सफर का पता ही नहीं चला, चलते ही गए। बीनू जैसा दोस्त किसी को मिल जाए तो किसी किस्म की तकलीफ की तरफ नजर ही नहीं जाती। उसकी मासूम हंसी और सरल प्रश्न दिल में आनंद का एक तूफान खड़ा कर देता है। अपने पापा की मौत के बाद और आपके आने से पहले बीनू बिल्कुल मुरझा सा गया था। बीनू के बाबा को क्या हुआ था? एक्सीडेंट। बीनू ये नहीं जानता कि अब उसके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। बहुत प्यार था बाप बेटे में, इसलिए उनके मौत के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था। हंसता नहीं था, खेलता नहीं था, यहां तक कि बात भी बहुत कम करता था। आपके यहां आने से उसका हंसना, खेलना, बोलना, जैसे सब लौट आया है। बीनू की खुशी ही मेरे जीने का मकसद है। समय की मार ने जो कुछ भी उसे छीना था वो सब मिल गया है उसे। डरती हूं दोबारा ये सब उसे छीन ना जाए।
जब तक मैं हूं कोशिश करूंगा कि बीनू के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। मैंने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया आपको, लेकिन मैं आपके बारे में तो कुछ भी नहीं जानती। दोहराने लायक मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो ये कुछ दिन है जो मैंने आप लोगों के साथ गुजारे, वरना मेरी जिंदगी तूफान में फंसे हुए उस पत्ते की तरह है जिसका रुकना या उड़ना हवा के रुख के ऊपर निर्भर करता है। यहां आकर कुछ दिनों के लिए अटक गया हूं, स्नेह की चादर ने ढक लिया है मुझे, डरता हूं फिर कहीं तूफान ना आ जाए। बहुत रात हो चुकी है, मैं चलती हूं। चाहे तू जो कर ले, बगैर पैसे के मैं तुझे शराब नहीं देने वाली। नहीं चाहिए मुझे शराब। चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे पूरी दुकान खरीद ली हो। चलो एक पवे का पैसा भी नहीं होगा तेरी जेब में। हाँ ओ, पीते पीते तू इन तक पहुंच गया। बेटी के कंगन बेच देगा तू? तुझे शर्म नहीं आती? शराब पीते पीते शायद शर्म भी मैं निगल गया हूं। हाँ मौसी, हाँ तुमने आज तक मौसी मेरे ऊपर बहुत से एहसान किए, आज एक एहसान और कर दो मेरे ऊपर, मेरा तो कोई भरोसा नहीं। आज हूं कल नहीं, तुम शेफाली की शादी पर उसे ये कंगन जरूर पहना देना। मैं आज तक उसी की कमाई खाता रहा, नोचता रहा उसकी हर खुशी, मगर कुछ नहीं दे पाया उसे आज तक, निर्लज्ज जो ठहरा। क्या पता पीते पीते कभी इन पर भी मेरा हाथ आ जाए। रुक जा, यहां से निकलकर कहीं और जाकर पिएगा ना। बैठ, मैं पिलाती हूं। नहीं मौसी, आज नहीं। मैं कह रही हूं देखना, ये कंगन उसे तू ही पिलाएगा अपने हाथों से। ये तुम कह रही हो मौसी? हां मैं जानती हूं रे, जानती हूं तू शराबी है, लेकिन शराब तेरे अंदर के इंसान को अभी पूरी तरह नहीं मार सकी। अब शेफाली और नरहरी की शादी हो जाए बस। पानी तो भरने दे, मौसी। अरे तुम यहां, क्या हुआ? क्या बात है बोलो ना। अरे कुछ बोलोगे भी या नहीं?
अरे अरे तू भाग क्यों रही है? तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं कहता हूँ रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। मामा जी ने हमारी शादी के लिए हाँ कह दी है। सच? अरे अरे रुक जा। अरे मैं कहता हूँ मेरी बात। मैं कहता हूँ शिफाली रुक जा। शिफाली इस बार पकड़ लिया तेरे को छोड़ूंगा नहीं। रुक। अरे सुन तो मेरी बात सुन। ए नरहरी अभी से इसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। अरे भाई आप क्या बात है भाई दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो आज। अब बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? मामा ने हमारी शादी की रजामंदी दे दी है। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई मुबारक हो। वन बाय वन को मना के छोड़ा। शिफाली इधर आओ ना। अरे आ पहुंचू भाई के पहुंचू। अरे अरे ये क्या कर रही हो? मैं इस काबिल नहीं हूं भाई। ये आप क्या कह रहे हैं? आज मैं आपसे एक बात कहता हूं। मैं दीपक बाबू के बहुत करीब था लेकिन जो आपने उनके परिवार के लिए किया है शायद ही कोई कर सकता था। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा अगर आप मेरे बड़े भाई बनकर मेरी शादी की रस्म अदा करें। तुम लोगों ने और गांव वालों ने जो इज्जत और प्यार मुझे दिया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तुम दोनों की शादी में जरूर आऊंगा। आऊंगा न जाने क्यों इस आदमी को देख के बहुत अपनापन सा महसूस होता है ना? हाँ ये फाइल संभाल कर रखना। जी सरकार। सरकार चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला नहीं रहा हूं सर्वनाश हो ही गया समझिए। सर्वनाश? वो आदमी कौन सा आदमी? वो जो नया आदमी आया ना वो बोल रहा था शेफाली और नरहरी की शादी खुद खड़ा रह के कराएगा। शेफाली? शेफाली ये जगता दादा है ना दौड़ा उसकी भांजी शेफाली। और उधर एक दफा अगर ये शादी हो गई तो जो आदमी आया ना नया सारे गांव वालों की नजर में भगवान बन जाएगा मतलब टिच करके फिट। हाँ पागल भगवान बनना इतना आसान नहीं रे। मगर तू नहीं जानता तूने एक बहुत अच्छी खबर लाई है। हुजूर ये अच्छी खबर है? जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। बोलिए। जिस दिन मैं कहूंगा जी तू उस दिन उस लड़की को ले आ। ठीक है मैं हरामजादी को खत्म करूंगा। हुजूर बुरा लगा क्या? ठीक है ठीक है देखने में सुंदर है ना इसलिए पहले चख कर फिर खत्म कर दूंगा। नाम होगा उसका और साक्षी दोगे तुम लोग समझे? हाँ हरामजादे भगवान को शैतान बनाना अच्छी तरह जानता है ये बिहारी अजीत कुमार बिहारी। शेफाली 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 जल्दी बाहर आ मैं पहुंचूं। क्या बात है क्या हुआ? हुआ क्या जगताप दादा दौड़ा मार के गिर गए सर में बहुत चोट आई है। तू डर मत हम सब मिलके अजीत सिंह के पुराने हवेली है ना वहाँ लेके गए तुझे बुला रहे हैं जल्दी चल। चलो हाँ। अरे चल ना अरे भाग के चल जल्दी चलो। नीता नीता बेटी घर में हो क्या? जगताप चाचा आप यहाँ इस वक्त क्या बात है? शेफाली आई थी यहाँ? नहीं तो घर पर भी नहीं है जया के पास भी नहीं गई सारा दिन इतनी रात हो गई इस वक्त कहाँ गई होगी शेफाली मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे रट लगाए हुए शेफाली को बुलाओ शेफाली को बुलाओ। सच? हाँ तू ऊपर जा मैं डॉक्टर सबको बुला के लाता हूँ चल चल जल्दी जा।
शुरू किया है, अब खत्म मैं करूंगा हरामजादे, खत्म मैं करूंगा। कल सुबह तक अगर तुम्हें जेल में सड़ा कर ना रखा तो मेरा नाम बिहारी नहीं, अजीत कुमार बिहारी। कल सुबह तक अगर आपने उसे गिरफ्तार कर जेल के अंदर नहीं डाला तो मैं समझूंगा पुलिस अपना फर्ज नहीं निभा रही है। मालूम है उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने मेरे घर में घुसकर मुझे मारा। आपके रहते हुए उसने मुझे मौत की धमकी दी। मैं आपसे कह रहा हूं इंस्पेक्टर, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। नहीं चाहिए सच्चा एक इंसान ऐसे कमाल क्या ना समझे, गेट आउट। एक इंसान जिसका कुछ पता नहीं कहां से आया है, यहां आकर एक अकेली विधवा के घर में रह रहा है और सारा गांव उसके डर से कांप रहा है, सब तमाशे देख रहे हैं। मैं गया उसे समझाने, उसने मुझे मारा, मेरे लोगों को जख्मी किया और अब वो मेरे घर में घुस आया है। इंस्पेक्टर साहब, अन्याय की भी कोई सीमा है, कोई हद है? मैं इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। आप मुझे उस आदमी का नाम और हुलिया बताइए। नाम? आपको नाम से क्या करना है? नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर उस आदमी के बदन में लोहे जैसी ताकत है, चार छह पे अकेला भारी पड़ सकता है और देखने में मालूम होता है आपके जैसा। एक यूनिफॉर्म पहना आदमी, मेरा मतलब है एक मिलिट्री का आदमी, फौजी। फौजी जैसा? देखिए ये तो नहीं। नरहरी, एक बड़े भाई के नाते मैं तुमसे कह रहा हूं, अब देर मत करो, अपनी जिम्मेदारी संभालो, जल्द से जल्द शिफाली के साथ शादी कर लो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। अब मैं कुछ कहूं? ये मैं तुम्हारी मौसी होने के नाते, तुम्हारी मां होने के नाते कह रही हूं बेटे। इनका घर तो तुमने बसा दिया, लेकिन कभी इस घर के बारे में सोचा? जिसे वक्त और तकदीर ने उजाड़ दिया है, इसे अब तुम्हारे सहारे की जरूरत है। बिनु तुमसे कितना प्यार करता है, सिर्फ लोगों की बातों से या फिर समाज के डर से दो जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएंगे? दो क्यों, तुम्हारी जिंदगी भी तो है, क्या तुम इन लोगों से प्यार नहीं करते, इनको अपना नहीं समझते? सुनो भाई, मौसी ठीक ही कह रही है, बिना बोले जो रिश्ता बन गया है उसे बोलकर बना लो। तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर उसका हाथ मांग ले। तू चाहता क्या है कि वो आकर तेरा हाथ मांगे? वो औरत है, ये जिम्मेदारी तो मर्द की होती है, पहल तुझे को करनी होगी। जा, अब और देर न कर, मैं कहती हूं जा जा। लेकिन जाओ भाई जाओ। रुक जाओ मेजर प्रताप राय, यहां से भागना मुमकिन नहीं है, अगर कोशिश की तो मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप शायद जानती नहीं मिसेस कुमार, दीपक कुमार की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं सच कह रहा हूं मिसेस कुमार, एक्सीडेंट हुआ नहीं था, एक्सीडेंट किया गया था और यही है
आपके पति का खूनी। ये सच है, वो एक्सीडेंट अपने आप ही नहीं हुआ था, मैंने किया था। लेकिन उस दिन वहां लाश एक नहीं थी, दो लाशें थी, और दूसरी लाश मेरी अपनी पत्नी की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तकदीर मेरे साथ ऐसा खौफनाक खेल खेलेगी। विश्वास कीजिए, अगर मुझे पता होता कि यह घर उस आदमी का है तो यह घर तो क्या, मैं इस दिशा की तरफ भी कभी नहीं आता। आपसे माफी मांगकर मैं अपना अपराध कम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सजा देने के लिए आपको मेरी जगह खड़े होकर देखना होगा, मेरी नजर से देखना होगा, एक ऐसे पति की नजर से जो अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था, उस पर बहुत भरोसा करता था। मीनू, मीनू मेरे बारे में पूछेगा, उसे सब कुछ बता दीजिएगा, कुछ भी मत छुपाइएगा। मैंने कहा था ना कल सुबह तक तुम्हें जेल में चढ़ा कर रख दूंगा। तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है। अरे
जीवन भर का साथ नहीं होता बंधु, इसीलिए हमें आज तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। मगर तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, जीवन भर के लिए साथ रहेगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो बंधु। जहां मैं जा रहा हूं वहां बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं बेटे, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे भी अपने साथ ले चलो बंधु। hey, कहां है तुम्हारी दोस्ती की निशानी? अब जाते समय अगर निशानी नहीं दोगे तो वो कुत्ते और लोमड़ी की कहानी जैसी हो जाएगी, है ना? इसे हमेशा अपने पास रखना, यह हमारी दोस्ती की निशानी है। कहां है तुम्हारी दोस्ती की निशानी? तो मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। है ना, ये मोती के दाने, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, अपने दिल के पास। मेरा छोटा बंधु, तुम्हारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है बेटे। घर की जिम्मेदारी, तुम्हारी मां की जिम्मेदारी। बड़ा हो गया बेटे, सब कुछ तुझे ही देखना है। ए, विदा करते वक्त रोते नहीं बेटे। हंसो, चलो हंसो, हंसो बेटे। अच्छा मासी, अब हम चलते हैं। लौट कर आना बेटे। बीनू, बीनू की माँ, हम सब, ये सारा गांव तुम्हारी राह तकता रहेगा।